हाय दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक राज में। दोस्तों, आज हम फिर से एक नए लोकेशन पे हैं, लेकिन ये जो लोकेशन है बहुत ही हॉन्टेड लोकेशन बताया गया है, क्योंकि ये आज की बात नहीं है, बहुत पहले की बात है, ये प्राचीन काल की बात है। क्योंकि जिस लोकेशन पे हैं हम, यहाँ पे एक राजा जो अपना पूरा साम्राज्य का जो विस्तार किए थे, लेकिन फिर से इस जगह पे कोई दूसरा राजा जो आक्रमण किए, यहाँ पे राजा को जो बंदी बना लिए, लेकिन जो रानी थी वो बहुत ही सुंदर थी, इसलिए वो जो राजा लोग थे उस रानी को बंदी बनाने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन बात ये हुई कि वो रानी अपनी आबरू बचाने के लिए, इस जगह पे एक कुआं है उसी में अपनी जान दे देती है। यहाँ के जो लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, कुछ के कुछ दूर दूरी पे घर भी है, जो बताते हैं कि वो रानी की आत्मा आज भी यहाँ पे मौजूद है। फिलहाल जो कुछ भी है ये भी हम लोग भी क्लियर नहीं कर पाए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, बहुत लेट हो चुका है हम लोग यहाँ आने पर। काफ़ी दूरी पर हम लोग आए हैं, आज कम से कम 200 किलोमीटर दूरी पर आए हैं, और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रहा है, लमसम 6 से 7 डिग्री इस समय टेम्परेचर होगा यहाँ पर। फिलहाल हम लोग वहाँ पे चलने की कोशिश करते हैं, वो जो जगह है नितेश। फर्स्ट पहले आज तो फिर से कैमरे के साथ नितेश भाई हैं, और जो हमारे जो आज फर्स्ट जो है वीडियो में फर्स्ट कमेंट किए थे वो थी प्रेमलता, जो कि मुगलसराय से हैं, चंदौली से हैं। दोस्तों, अभी सिर्फ हम और नितेश भाई इस जगह पे अभी सिर्फ ज़्यादा 10 से 15 मिनट पहुँचे होगा हम लोगों को, क्योंकि इस जगह के विषय में हम लोग कोई मालूम नहीं, कुछ पता नहीं है, थोड़ा ये रास्ता उधर ही जा रहा है, कुछ हम लोग ऐसा लोकेशन मिला है इसी जगह, तो हम लोग चल रहे हैं सीधा। जो कुछ भी होगा वो कैमरे में रिकॉर्ड होगा। नितेश, सावधान रहना, क्योंकि कोई यार मंदिर लग रहा है, जो कि बहुत ही पुराने जमाने का है, हमको लग रहा है 200-300 साल पहले के मंदिर है। चलो पहले पास चलते हैं इस जगह पे। पानी है क्या आगे? ये जो दोस्तों जो तालाब है आप जो देख रहे हैं, ये जो तालाब उसी राजा जमाने का है, और यहीं पे वो उस समय के जो रानियाँ थी और राजा थे इसी तालाब में स्नान करते थे, नहाते थे। और ये जो मंदिर आप देख रहे हैं उन्हीं जमाने के मंदिर हैं। फिलहाल दोस्तों ये मंदिर तभी का बना हुआ है, क्योंकि नीचे दिखाई पूरा ये मंदिर दिखाई नीचे जगह पे काफी पुराना लगा है, बहुत पुराना मंदिर है, क्योंकि ये जो मंदिर है कुछ गांव वालों के सहयोग से कुछ मरम्मत किया गया है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से नहीं हो पाया है। दोस्तों यही वो सीढ़ी है जहाँ पे वो रानी आके स्नान करती थी।
क्योंकि दोस्तों अभी जो हमें बताया गया है कि वास्तव में यहाँ पे उस रानी की कोई आवाज़ आई इधर से, कोई आवाज़ आई है, क्योंकि वो रानी की जो आत्मा है आज भी इस जगह पे मौजूद है, लेकिन जो रहने का उनका जो है पूरा जो उनका महल था आज वीराना पड़ा हुआ है, टोटल सब जो है धराशायी हो गया है, गिर चुका है। कोई आवाज आ रही है लगातार यार, जैसे कोई औरत की आवाज आ रही है। हाँ, फिर से इधर पानी क्या हो रहा है, पानी में हाँ। कुछ हो गया जान दे। हाँ। ये वाली इसी साइड से आ रही है। ये जो जगह है ये राजा का जगह है, इससे पहले यहाँ पे वो राजा रहा करते थे, लेकिन फिर वही अब सबसे पहले हम वो जो कुआं है पहले उसको आपको दिखाते हैं, जहाँ वो रानी कूद कर अपनी जान दे दी थी पहले उस जगह पे। नितेश यहीं पर है क्या? क्योंकि दोस्तों बहुत पुराना हो चुका है, यहाँ पे कोई आता नहीं, इसलिए कि ऐसा ही प्लेस है यहाँ पे। दिन में कोई कभी कभार आ भी जाता है, लेकिन रात में कोई आता नहीं है। यही कुआं है लगता है। ये जो कुआं है दोस्तों बहुत ही साफ था, लेकिन यहाँ पे कोई यही जो कुआं है इसी जगह पे, क्योंकि ये जो जगह है स्टार्ट चलते हैं। ये जो आज जो राजा का ये पूरा महल था आज ये पूरा वीराना पड़ा हुआ है। इतने का पूरा लोकेशन पहले क्या है वास्तव में यहाँ पे, क्या वास्तव में यहाँ रानी की आत्मा आज भी दिखाई देती है, जो यहाँ के लोगों का कहना है या सिर्फ धर्म है? चलो क्या है तो पूरे पर लोकेशन में है। ओ भाई आवाज आ रही आई थी। हाँ? आवाज कहाँ से आई थी, कैसी आवाज है यार? हाँ? क्या है कुछ तो आवाज आई यार नितेश। हाँ? अंदर से आवाज आई थी क्या? हाँ? अंदर से आई थी क्या आवाज? कुछ नहीं यार। हाँ?
भाई ऊपर गए। क्या था वहां पर? कुछ तो अभी यहाँ पे यार कैसे मूव हुआ था? आवाज आई थी इधर से, कुछ एक्टिविटी हो रही यार नीतीश। हाँ इस जगह पर ऐसा नहीं कोई उस पार से कुछ कर रहा हो हमको सिर्फ डराने के लिए। पता नहीं, चलो देख। चलो कि इस अंदर भी कोई गया नहीं यार, कुछ जंगली जानवर भी हो सकते हैं, सांप वगैरह। फिर भी हम चल रहे हैं अभी दोस्तों, कुछ भी हो जाए आज ये क्लियर करेंगे कि वास्तव में सिर्फ यहाँ डराने के लिए कुछ होता है या कि कुछ है यहाँ पे, या वास्तव में रानी की आत्मा यहाँ मौजूद है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। काफी खतरनाक लग रहा है यहाँ पर, तो कोई नहीं है। किसे हिल कैसे रहा है भाई? कैसे हिल रहा है इस साइड? कैसे कोई यहाँ पे कोई नहीं, अभी भी हिल रहा है वो इस साइड। इस साइड अरे कैप्चर करो इसे। हाँ कैप्चर हो रहा है। सर देखो कुछ है नहीं यार, कुछ नहीं दिख रहा है, अपने आप ही कैसे हो रहा है? फिर से तुम आवाज आ रही पीछे बाहर जा रहे हैं। हाँ पीछे से रुकना। हाँ और कोई हम लोग को डराने की कोशिश भी करेगा, हम लोग पीछे देख रहे हैं। डरना यहाँ पे कोई नहीं, कुछ नहीं यार, कुछ आवाज़ें भी खतरनाक आ रही है। अभी ये जो दरवाज़ा है अपने आप कुछ एक्टिविटी हो रही थी इसमें, अभी शांत हो चुका है। भैया हम लोग यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर माजरा क्या है? कुछ एक्टिविटी भी लग रही है, कुछ नहीं भी लग रही है, पता नहीं क्या बात है यहाँ पे। हो सकता है कोई आवाज भी आई थी। आवाज भी आ रही है। काम करो यहाँ से हम लोग आज निकलते हैं, क्योंकि अभी टाइम भी एक से ज़्यादा हो गया होगा और कुछ लोग यहाँ से जो है अभी प्रॉब्लम भी हो सकता है हम लोगों को, क्योंकि इस जगह पे आना और वीडियो शूट करना खतरा है, इसलिए हम लोग चल रहे हैं। फिर बाद में विदेश।